आज की कहानी है सबसे सुंदर कौन। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी। वो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट था। लेकिन फिर एक दिन उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया। उसे देखते ही वह सोचने लगा, यह प्राणी कितना सुंदर है, ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना साफ और सफ़ेद, ये तो इस जंगल में औरों से बहुत सफ़ेद और सुंदर है, इसलिए ये तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो बहुत खुश रहते होगे ना। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ मैं पहले बहुत खुश रहता था, जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर पक्षी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर तो दो दो रंग है। वह हरे रंग का होता है और उसकी चोंच लाल रंग की है। सच में वो बेहद खूबसूरत पक्षी है। अब कौवे ने सोचा, हंस तो तोते को खूबसूरत बता रहा है, अब उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और तोते से बोला, भाई तुम्हारे शरीर पर तो दो दो रंग हैं, तुम तो बहुत खुश होगे। इस पर तोते ने कहा, हाँ मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई रंग हैं। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज्यादा खुश कौन है, ये तो मैं पता करके ही रहूँगा, इसलिए अब मुझे मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। कौवा मोर को ढूंढते ढूंढते चिड़ियाघर में पहुंच गया। उसने देखा मोर को देखने के लिए बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और बोला, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो, तुम्हारे रंग बिरंगे पंख हैं, तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और मुझे लगता है तुम दुनिया के सबसे खुशनसीब जीव हो। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, मेरी सुंदरता की वजह से ही लोग मुझे इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं। लेकिन तुम तो आजाद हो, तुम्हें कोई कैद करके नहीं रखता और तुम जहाँ चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो, इसलिए दुनिया का सबसे सुंदर और संतुष्ट जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आजाद जीवन जी रहे हो। यह सुनकर कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। दोस्तों ऐसा ही हम लोग भी करते हैं, हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल बिल्कुल अलग होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो केवल हमारे पास होती हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते, बल्कि दूसरों की छोटी छोटी खुशियां भी हमें बड़ी लगती हैं, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं।